महाठक किरण पटेल विरुद्ध चेक बाउंस सहित कुल पांच गुना नोंधाया छे। किरण पटेल मोटी राजकीय वॉक होवाना दावा करी छेतरपिंडी आचरतो होवानो क्राइम ब्रांचे खुलासो कर्यो। बायर अमदावाद अने काश्मीर सहित स्थले किरण पटेल विरुद्ध केस नोंधाया छे। बंगलो केवी रीते पचावी पाड्यो तेनी क्राइम ब्रांच द्वारा तपास करवामां आवशे। रिमांड बाद किरण पटेल नी वधु पूछपरछ करवामां आवशे। क्राइम ब्रांचना अधिकारीए कह्युं के किरण पटेल नुं मेडिकल चेकअप करावी धरपकड़ करवामां आवी छे। किरण पटेल नी पूछपरछ चाली रही छे। किरण पटेल कम्प्यूटर एंजीनियर होवानुं जणावे छे। कया गुना आचरेला छे तेनी तपास करवामां आवशे। खोटी ओळखनी पण तपास करवामां आवशे। माठा किरण पटेल ने जम्मू काश्मीर थी मोड़ी रात्रे अमदावाद लवायो। किरण पटेल की धरपकड़ बाद अमदावाद क्राइम ब्रांचे ट्रांसफर वॉरंट थी अमदावाद लवायो हतो। पीएमओना अधिकारी होवानी खोटी ओळख आपी किरण पटेल जम्मू काश्मीर में जेड प्लस सिक्योरिटी साथे फरतो हतो। आ भांडो फूट्या बाद किरण पटेल सामे गुजरात में पण भूतकाळ में अनेक केस खुल्या छे। अलग अलग जगह किरण पटेल और तेनी पत्नी सामे छेतरपिंडी सहित अन्य फरियादो पण नोंधायेली छे। हवे अमदावाद क्राइम ब्रांच की पूछपरछ में गुजरात सीएमओ थी लईने अन्य अधिकारी साथ की महाठक की अनेक कड़ी मे शक्यता है। वापी उद्योगनगर में शाह पेपर मिल ग्रुप में मुंबई आयकर विभागे सर्च ऑपरेशन हाथ धरू जमें वापी आयकर विभाग कचेरी अधिकारी जोड़ाया। पेपर मिल ग्रुप वापी में त्रण एकमों पैकी एक युनिट ताजेतर में बंद करू। सर्च ऑपरेशन में केटलाक बेनामी व्यवहार सामने आया सूरत कमिश्नर नेजा हेठ कार्यवाही की। अलग अलग 15 થી વધુ સ્થળે દરોડા પાડવાની તૈયારી કરી હોવાની વાત પણ સામે આવી। વાપીમાં શાહ પેપર મિલ તેમજ તેમના ડિરેક્ટરના ઘરે પણ સર્ચ ઓપરેશન કર્યું હતું, જો કે તેમાં હજી સુધી કોઈ શંકાશીલ વ્યવહારો સામે આવ્યા નથી। કેશોદના ખમીદાણ ગામે નુનારડા રોડ પર સિમશાળા નંબર 1 માં અતિ જર્જરિત હાલતમાં છે। જે શાળામાં ધોરણ 1 થી 5 ના વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે શાળામાં ખેડૂતોના બાળકો ભણતા હોવાથી નવા બાંધકામની માંગ કરી છે। શાળામાં નવા બાંધકામ અને શિક્ષણ વિહોણી શાળામાં શિક્ષકની નિમણૂક કરવાની માંગ ઉઠી। સીમ શાળામાં વાડી વિસ્તારની શાળાનું જર્જરિત બાંધકામ અને નવા શિક્ષકની ભરતી ન કરાતા વાલીઓ ચિંતિત છે। પાટણ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 ના કાલેકા બાગનું રિનોવેશન કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ રિનોવેશનની કામગીરીમાં કથિત રીતે ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાની ફરિયાદ ઉઠી। तेरे विरोध पक्ष नेताए बाग की मुलाकात करी कामगीरी नु निरीक्षण कर्यू। ज्यां फ्लोरिंग नी कामगीरी मां गैरीते थता कामगीरी अटकावाई। पालिकाए टेंडर जाहिर करी कॉन्ट्राक्टर ने कामगीरी आपी। कॉन्ट्राक्टरे सब कॉन्ट्राक्टर ने काम सौंप्यू, परंतु पेरा कॉन्ट्राक्टर नी कामगीरी नी गुणवत्ता सामे विरोध थता विपक्ष नेताए निरीक्षण कर्यू। उमरगाम आदिवासी तालुको होवाथी लांबा समयथी एसटी सेवा बंद हालत में थी। जीएसटीवी एसटी डेपोनी दूरदर्शन अहेवाल रजू कर्यो बाद एसटी रूट शुरू करने हिलचल शुरू थी। हवे उमरगाम तालुकाना लोको अने विद्यार्थियों माटे खास रूटनी बस सेवा शुरू थी रही छे। जीएसटीवी अहेवालनी नोंध लई डेपो शुरू करने प्रयासों सफल थया होवानुं वापीना डेपो मैनेजरे जणाव्युं हतुं। सूरत एरपोर्ट पर 2 कलाकना समयगाळामां उपरथी 5 फ्लाइटना पेसेंजरोनो जमावड़ो थयो। फ्लाइट टेकऑफ माटे मुसाफरो सामान चेकिंग माटे मात्र 2 स्केनर मुकवामां आव्या छे। मुसाफरोना सरसामान्य चकासणी में अंधाधूंधी सर्जाई। एरपोर्ट टर्मिनल्स बिल्डिंग नी अंदरनो वीडियो वायरल थयो। एरपोर्ट टर्मिनल्स में मच्छी मार्केट जेवा माहौल सर्जायो होय तेवो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो। एरपोर्ट पर सुविधाना अभावना कारणे मुसाफरोने हालाकी वेठवानो वारो आव्यो, जो कि नवुं टर्मिनल बिल्डिंग शुरू न थाय त्यां सुधी मुसाफरोए मुश्किलनो सामनो करवो पड़शे। समग्र राज्य में फूट माटे जाणीता जूनागढ़ वंथली मार्केट यार्ड हाल चीकूनी आवकथी उभराई गयु छे। यार्ड में दरोज 5 થી 6 હજાર गुणी चीकूनी आवक थई रही छे, परंतु गत वर्षनी सरखामणी 200 થી 300 रूपया ऊंचो भाव आवता खेडूतोने खूब मोटू आर्थिक नुकसान सहन करवानो वारो आव्यो। वंथली तालुको चीकू सहित बागायती पाकों में सारू एवं उत्पादन धरावतो तालुको छे। गत वर्षे 800 થી 1100 रूपया प्रति मणनो भाव हतो, परंतु आ वर्षे कमोसमी वरसादना कारणे चीकूना पाकने नुकसान थयुं छे। भर उनाणे जामनगर जिला में सतत कमोसमी वरसाद खाबक्यो, जेथी जिल्लाना एकमात्र लालपुर तालुका में सौथी वधु पाक नुकसान थयु। जिला पंचायत खेतीवाड़ी विभाग की 6 जेटली टीम जेमा एक ग्राम सेवक और तलाटी मंत्रीए सर्वे कर्यो। लालपुर तालुकाना 54 गाम में 10 दिवस सर्वे करवामां आव्यो। कुल 896 हेक्टर जमीनों सर्वे करता 250 हेक्टर पाके नुकसान थयु, जेमा घऊं धाणा लसण डूंगळी और तरबूजनो पाक निष्फळ गयो। जो कि सर्वे बाद सरकार निर्णय करे ते प्रमाणे खेडूतोने सहाय चूकवामां आवशे।
આણંદના આંકલોમાં ભૂમાફિયાઓ બેફામ બન્યા છે અને ગેરકાયદે રેતી કાઢવા જતા ટ્રેક્ટરને સરપંચે રોકતા સરપંચ પર ટ્રેક્ટર ચલાવી હુમલો કરી દેવાયો, જેને લઈને ગ્રામજનોમાં રોષ છે. આંકલાવ નદીના પટમાં ગેરકાયદે રેતી ખનનની કામગીરી ચાલતી હતી, જોકે સરપંચે ગેરકાયદે રેતી કાઢતા ટ્રેક્ટરને રોકતા ટ્રેક્ટર ચાલકે સરપંચ પર ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું હતું, જેથી ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં આંકલો પોલીસ પહોંચી હતી. રાજકોટના ગુંદાવાડી પોલીસ ચોકીની સામે મોબાઈલની એસેસરીઝની દુકાનમાં આગ લાગી. અજાણી મહિલાએ મૂકેલા પાર્સલ દુકાનમાં આગ ફાટી નીકળી, જોકે આગ લાગતા તમામ મોબાઈલ એસેસરીઝ બળીને ખાક થઈ. ફાયર બ્રિગેડ અને એફએસએની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. મહત્વનું છે કે મહિલાએ પાર્સલ થોડીવાર દુકાનમાં રાખતા કહી પરત આવી ન હતી, જેથી અજાણી મહિલા કોણ હતી અને પાર્સલમાં શું હતું તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. સુરતના સુધરપુરામાં માસૂમ 8 વર્ષની બાળકીને એક યુવકે ખંડેર મકાનમાં લઈ જઈ બીભત્સ વિડીયો બતાવી માર મારતા હોબાળો થયો. રુધરપુરા ખાડીના એક ખંડેર મકાનમાંથી બાળકીના રડવાનો અવાજ સંભળાયો હતો, જેથી સ્થાનિક રહેવાસીઓ ત્યાં બેઠેલા લોકો તાત્કાલિક ખંડેર મકાનમાં દોડી ગયા હતા. રડતી બાળકીની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં બીભત્સ વિડીયો જોવાની ના પાડતા ઢોર માર માર્યો હોવાની હકીકત સામે આવી હતી. વડોદરાના મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન નજીક સ્પા સંચાલક પાસેથી વિદ્યાર્થીએ લાંચ લીધી હતી, જેમાં સ્પેશિયલ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો. લાંચ લેતા ઝડપાયેલા વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય ન બગડે તે માટે કોર્ટે એમએસસીના ત્રીજા વર્ષની પરીક્ષા આપવા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા. એસીબીની સ્પેશિયલ કોર્ટે 8 એપ્રિલથી 17 એપ્રિલ સુધી વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા, તેથી એસીબીએ 80,000થી લાંચ લેતા વચેટિયાની ધરપકડ કરી હતી. વડોદરાના હરણી વિસ્તારમાં વણકર પરિવારની સગી દીકરીઓ છેલ્લા 50 દિવસથી ગુમ થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ગુમ થયેલી કોલેજન 2 જોડી બહેનો મળી ન આવતા પરિવારજનો ચિંતાતુર બન્યા. દેશમાં કોરોનાના નવા કેસની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. દેશમાં કોરોનાના નવા 6,155 કેસ સામે આવ્યા. આ બાદ હવે કોરોનાના એક્ટિવ કેસોની સંખ્યા વધી 31,000ને પાર પહોંચી. કોરોનાના કારણે દિલ્હીમાં 2, મહારાષ્ટ્રમાં 3, ચંદીગઢ, છત્તીસગઢ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 1 દર્દીના મોત નિપજ્યા છે. આમ કોરોનાના કારણે 9 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. હવામાન વિભાગે શનિવારે મહારાષ્ટ્રમાં દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ પ્રમાણમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી. મુંબઈમાં આવેલા હવામાન વિભાગ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે હળવા વરસાદ સાથે 30-40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. મહારાષ્ટ્રના બીડ, જાલના, પુણે, સાંગલી, રત્નાગીરી સહિતના જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ પ્રમાણમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. અગાઉ હવામાન વિભાગે મધ્યપ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી. છેલ્લા 24 કલાકમાં ઉજ્જૈન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો હતો, તેના કારણે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી. જોકે આગામી 24 કલાકમાં મધ્યપ્રદેશ બેતુલ, બુરહાનપુર, દક્ષિણ ખાંડવા સહિતના જિલ્લામાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આસામના તેજપુર એરફોર્સ સ્ટેશનેથી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ફાઇટર જેટ સુખોઈ 30 એમકેઆઈના ઉડાન ભરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આસામના પ્રવાસે છે. દ્રૌપદી મુર્મુ લડાકુ વિમાનમાં મુસાફરી કરનાર બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. આ પહેલા વર્ષ 2009માં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા પાટીલે પણ લડાકુ વિમાનમાં મુસાફરી કરી હતી. સુખોઈ લડાકુ વિમાનમાં 2 લોકો બેસી શકે છે. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા લડાકુ વિમાનનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. તેલંગાણામાં વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમમાં પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ હાજરી નહીં આપે તેવી અટકળો ચાલી રહી છે. કેસીઆરને પ્રોટોકોલ હેઠળ વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, જોકે તેઓ હાજરી આપે તેવી શક્યતા ઓછી છે. હૈદરાબાદના બેગમપેટ એરપોર્ટ પર વડાપ્રધાન મોદી પહોંચ્યા ત્યારે પણ કેસીઆર હાજર રહ્યા ન હતા. કેસીઆરની બીઆરએસ પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે રાજકીય સંબંધો સારા નથી. ભાજપ તેલંગાણા વિધાનસભામાં પોતાની હાજરીને મજબૂત કરવા માંગે છે. ગયા વર્ષે કેસીઆરે તેની પાર્ટી ટીઆરએસનું નામ બદલી બીઆરએસ કર્યું હતું. વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષને એકજૂટ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશમંત્રી પાર્ક જીન 2 દિવસ માટે ભારતના પ્રવાસે આવ્યા. તેમની આ યાત્રા દરમિયાન પાર્ક જીને શનિવારે રાજઘાટ પર મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ પછી દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશમંત્રીએ વિઝિટર બુકમાં સહી પણ કરી. પાર્ક જીને વડાપ્રધાન મોદીના સત્યાગ્રહના માર્ગને ઊંડા ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે મહાત્મા ગાંધીના સિદ્ધાંત, લોકતાંત્રિક અને માનવ અધિકાર મૂલ્યનું તેઓ સન્માન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે 27 વર્ષ પહેલા જ્યારે તેઓ પહેલીવાર ભારત આવ્યા હતા ત્યારે પણ સત્યાગ્રહથી ઘણા પ્રભાવિત થયા હતા.
कर्नाटक कांग्रेस नेता सिद्धरमैयाए जणाव्यु कि आगामी विधानसभा की चूंटणी तेमनी अंतिम चूंटणी हशे अने आ पछी तेवो राजकारण में संन्यास लेशे। आ मुद्दे बातचीत करता सिद्धरमैयाए कहूं कि कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी में तेवो वरुणा विधानसभा बैठक पर चूंटणी लड़ी रहा है। सिद्धरमैयाए जणाव्यु कि तेवो राजकारण में सक्रिय रहेशे परंतु दिल्ली में आपवामां आवता कोईपण पदनो स्वीकार नहीं करे। तेमणे कहूं कि मने चूंटणी लड़वानी इच्छा नथी परंतु कोलाना लोको इच्छी रहा है कि मने आ माटे तेवो वरुणा विधानसभा बैठक पर चूंटणी लड़ी रहा है। सिद्धरमैयाए कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने आ वक्त विधानसभा की चूंटणी में 130 की वधु बैठकों जीतशे तेवी आशा छे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बहुमत साथ सत्ता में आवशे। लोकोए सत्ता परिवर्तन मन बनावी लीधुं छे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार शनिवार जणाव्यु कि विपक्ष दलों ने हिंडनबर्ग दाणी मुद्दा करता मोंघवाड़ी और खेडूतों प्रश्नों पर वधु ध्यान आपवुं जोईए। तेमणे कहूं कि सरकार की टीका करने माटे अदाणी अंबाणी नामनो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे परंतु अपने देश में तेमना योगदान विषे पण भूलवुं जोईए नहीं। तेमणे कहूं कि अदाणी विवाद मुद्दे जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी की रचना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त करायेली कमिटी तपास में वधु निष्पक्ष और विश्वसनीय छे। शरद पवारे कहूं कि जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी 21 सभ्यों पैकी 15 सभ्य सत्ता पक्ष में हशे और 6 सभ्य विपक्ष दल में हशे। तेथी जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की बात पुरवार थवानी शक्यता वधु छे। अदाणी टोटल गैस लिमिटेडे सीएनजी और पीएनजी भाव में घटाड़ो कर सीएनजी भाव में प्रति किलो 8 रूपया और 13 पैसा घटाड़ो कर जारे कि पीएनजी भाव में 5 रूपया 6 पैसा घटाड़ो कर सीएनजी पीएनजी नवो भाव आज थी अमली बनो। छेल्ला 5 वर्ष थी भारत में ईपीएम गैस भाव आंतरराष्ट्रीय बजार में भावना दरे दर 6 महीने नक्की थतो हतो। रशिया और यूक्रेन वच्चे युद्ध और कोरोना पछी क्रूड ऑइल और गैस की वधती मांगना कारण छेल्ला 2 वर्ष थी देश और दुनिया में भाव सतत वधी रहा था। आ स्थिति में भारत उकेल शोधवा माटे किरीट पारे कमिटी ने रचना करी हती। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी बे दिवस दक्षिण भारत प्रवास की शुरूआत तेलंगाणा थी थशे ज्यां तेओ एम्स शिलान्यास और वंदे भारत की लीली झंडी आपी। पीएम मोदी तेलंगाणा में 11,300 करोड़ रूपया की विविध योजनाओं शिलान्यास कर सर्वप्रथम हैदराबाद से सिकंदराबाद स्टेशन जना वंदे भारत ट्रेन ने लीली झंडी बताई थी। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय फरी एक निवेदन ने कारण विवाद सर्जो। आ वक्त सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती अवसर एक वीडियो वायरल करो जमा कैलाश विजयवर्गीय कही रहा है कि केटली महिलाओं एवं कपड़ा पहरी निकले कि मन करे कि कार में उतारी लाफो मारी दू संपूर्णपणे शुभपंखा जीव लगे। कैलाश विजयवर्गीय वीडियो में कहता संभाये कि भणेला गणेला युवा बाड़कों ने फरता जो छू तो खरेखर एवं इच्छा थे कि 5-7 एवं चौंटाड़ी दू कि नशो उतरी जाए। सत्य कहूं छू भगवान ना सौगन हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोल। वडाप्रधान मोदी 2 दिवस दक्षिण भारत प्रवासे छे। पीएम मोदी दक्षिण भारत में तेलंगाणा तमिलनाडु और कर्नाटक की मुलाकात करते। मोदी तेलंगाणा तमिलनाडु में है तो 9 एप्रिले कर्नाटक में जैसे कर्नाटक में विधानसभा चूंटणी जाहिर थे बाद पहली वक्त पीएम मुलाकाते जवाना है ज्यां बांदीपुर टाइगर अभयारण्य की मुलाकात लेशे और संरक्षण प्रवृत्ति साथ संकड़ेला फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वसहाय जूथों साथ बातचीत करते। पीएम मोदी मुदुमलाई टाइगर अभयारण्य में गजराज कैम्प की मुलाकात लेशे और त्यांना महावतो साथ बातचीत करते। गुवाहाटी हाईकोर्ट प्लेटिनियम जुबली समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़े महत्वपूर्ण निवेदन आप्यु और कहूं कि बधा लोकोना हितों की सेवा माटे कायदा में मानवता स्पर्श होवो जोईए और समस्याओं ने धर्मूळथी दूर करवा माटे हमेशा संवेदनशीलता साथे तेनो उपयोग करवो जोईए। जारे कायदा ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या और अमल कराय छे तो लोको सामाजिक माळखा पर विश्वास राखे छे और न्याय की दिशा में एक पगलू गणाय छे। न्यायपालिका में लोकोनो विश्वास एक सौथी महत्वपूर्ण कारणों थी नक्की थाय छे कि परेशानी और जरूरियात में नागरिकों माटे प्रथम और छेल्ली जग्या न्यायपालिका छे। इजरायलना तेल अविव शहर में शुक्रवार आतंकवादी हमलो थयो हतो। कार में सवार हुमलाखोरे रस्ता पर राहदारी ने टक्कर मारी। दरमियान हुमलाखोरे तेनी बंदूक उपाड़वानो प्रयास कर्यो। पुलिसे तेने गोली मारी हती। तेल अविवना पुलिस वडाए जणाव्युं हतुं कि हुमलाखोरी इरादापूर्वक कार ने साइकल लेन में लई जईने राहदारी ने टक्कर मारी हती। ते बाद कार पलटी गई हती। समग्र घटना अंगे सोशियल मीडिया पर खोटी माहिती फैलावामां आवी रही छे। आवा लोको सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। महत्वनुं छे कि छेल्ला केटलाक दिवसोमां हिंसक घटनाओं ने कारण इजरायल और पेलेस्टाइन वच्चे तनाव वध्यो छे। दिल्ली बेंगलुरु
इंडिगो फ्लाइट में नशा में धूत एक 40 वर्ष मुसाफरे इमरजेंसी डोर फ्लेप ने खोलवा प्रयास कर्यो, जो कि धरपकड़ कर बेंगलुरु में सीआईएसएफ ने सौंपी देवामां आव्यो। इंडिगो एरलाइन्स अनुसार दिल्ली थी बेंगलुरु जती फ्लाइट 6308 में नशा में धूत मुसाफरे आवी हरकत करी हती, त्यारे आ घटना में क्रू ने जोता तुरंत ज कैप्टने जाण करी अने मुसाफर ने योग्य चेतवनी पण आपवामां आवी। इंडिगो एरलाइन्स प्रवक्ताए कहूं कि उपरोक्त फ्लाइट सुरक्षित संचालन साथे कोई समझूती करी नथी अने अनियंत्रित मुसाफर ने बेंगलुरु पहुंचता सीआईएसएफ ने सौंपवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे कि अनियंत्रित मुसाफरो ने नशानी हालत में पेशाब करी देवो, क्रू मेंबर साथे झगड़ो करवो, इमरजेंसी गेट साथे चेड़ा करवा जेवी घटनाओ सतत वधी रही छे। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वड़ा शरद पवार खानगी न्यूज चैनल इंटरव्यू में अदाणी मामले जणाव्यु कि अदाणी जूथ विरुद्ध अमेरिकन शोर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च अहेवाल उद्भवेला विवाद की संसद संयुक्त संसदीय समिति एटले कि जेपीसी द्वारा तपास की मांग निरर्थक छे, जेथी आ मामले उकेली शकाय तेम नथी। आ मुद्दा की तपास सुप्रीम कोर्ट की कमिटी करे ते जरूरी छे। आ मामले एक औद्योगिक जूथ ने निशान बनावामां आव्यु छे, परंतु जेपीसी की निमणूक करवाथी मामलो उकेलाशे नहीं, जेथी सुप्रीम कोर्ट की कमिटी द्वारा देश समक्ष सत्य उजागर थशे। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह शुक्रवार उत्तर प्रदेश की मुलाकात पहुंचा था। अं कौशाम्बी उत्सव 2023 उद्घाटन कर उपरांत आजमगढ़ में 4567 करोड़ रूपया विकास कार्यों लोकार्पण कर। दरमियान कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करता कहूं कि कांग्रेस कहे कि लोकशाही खतरा में है, परंतु हूं कहवा मागू छू लोकशाही खतरा में नहीं, पर कांग्रेस परिवार खतरा में है, कारण कि कांग्रेस पार्टीए देश ने जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण की त्रण खिलाओंथी घेरी राखी छे। यूपी मुख्यप्रधान योगी आदित्यनाथ कहूं कि एक तरफ वडाप्रधान मोदी नेतृत्व में भारत छेल्ला 3 वर्ष थी 80 करोड़ थी वधु लोगों ने मफत राशन आपी रह्यु छे, ज्यारे पाकिस्तान में रोटला की तड़प है। शुक्रवार कौशाम्बी महोत्सव 2023 उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगीए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह साथ भाग लीधो। दरमियान अनेक प्रोजेक्ट उद्घाटन और शिलान्यास कर एमपी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन साथ संकड़ेला अनेक खिलाड़ी सम्मान कर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 एप्रिले 155 देशों की नदियों पानी थी राम लल्ला जलाभिषेक करते। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपतराय आंगे जणाव्युं हतुं। विजय जोली नेतृत्व में एक टीम 155 देशों की नदियों पानी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपशे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ 23 एप्रिले मणिराम दास कैंटोनमेंट ऑडिटोरियम में जल कलश की पूजा करते। उत्तर प्रदेश में आगामी समय में म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की चूंटणी योजना है, तेरे आम आदमी पार्टीए तैयारी शुरू कर दी है। आ पार्टी 763 बैठकों पर चूंटणी लड़े। जो नगर पालिका की चूंटणी में आपनी सरकार बनशे तो हाउस टैक्स अर्धो कराशे, तेमज पानी वेरो पण माफ करवामां आवे तेवी जाहेरात आप पार्टी द्वारा करवामां आवी छे। आंध्र प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी भाजप में जोड़ाया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशीए भाजप सभ्यपद अपाव्यु। आ कार्यक्रम में पार्टी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और अन्य नेताओं सामिल थया। 12 मार्चे कांग्रेस में राजीनामु आप्यु। कांग्रेस नेता और लोकसभा सभ्य मणिकम टागोरे कहूं कि जमने पार्टी पास थी बधु मेळव्यु और आंध्रप्रदेश कांग्रेस नाश कर्यो तेवो हवे भाजप में जोड़ाई गया छे। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द थया बाद हवे वायनाड ऑफिस सत्तावार फोन नंबर पण डिस्कनेक्ट थई गयो छे। तेमनी ऑफिस नो इंटरनेट कनेक्शन पण कापी नाख्यु छे। बीएसएनएल द्वारा आ कार्यवाही करवामां आवी। राहुल गांधी तेमना लोकसभा मत विस्तार जवानी योजना बनावी रह्या छे, त्यारे आ कार्यवाही करवामां आवी। जानकारी मळी रही छे कि राहुल गांधी 11 एप्रिले वायनाड जवाना छे। जयपुर में शुक्रवार थी राष्ट्रीय सेवा भारती तीजो सेवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत थी। 9 एप्रिल सुधी चालना आ कार्यक्रम में प्रथम दिवसे आरएसएस वड़ा मोहन भागवत उपस्थित रहा। आ कार्यक्रम में 11 देशों में 800 प्रतिनिधि उपस्थित रहा। आ कार्यक्रम में मोहन भागवते जणाव्युं कि संघ में आवता लोगों ने सेवा की शक्ति ने जगड़वानी जरूर है। संघना युवाओं ने देश की सेवा करवी जोईए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल फरी एक बार केन्द्र और राज्य सरकार पर प्रहार करता कहूं कि भाजपा लोग बूमो पाड़ी रहा है कि छत्तीसगढ़ में नल से जल योजना निष्फल है और आवासों की हालत खराब है। तो बीजी तरफ पीएम मोदी कहे कि छत्तीसगढ़ में 17 लाख लोग ने नलन पानी मिल्यू है, 34 लाख लोग ने घर और 35 लाख लोग ने गैस सिलिंडर मब्या है, सिद्धि कर रहा है। दिल्ली पूर्व शिक्षण प्रधान मनीष सिसोदिया जेल में देश नाम पत्र लखी वडाप्रधान मोदी शिक्षित होवा पर सवाल उठाव्यो।
सिसोदियाए पोताना पत्रमां लख्युं के वडाप्रधाननुं ओछुं शिक्षित होवुं देश माटे खूब ज खतरनाक छे। सिसोदियाए वधुमां कह्युं के वडाप्रधान मोदी विज्ञान अने शिक्षणनुं महत्व नथी समजता, छेल्ला केटलाक वर्षोमां तेओए 60,000 शाळाओ बंद करी छे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा सिंह ने आत्महत्या करने माटे उश्केरनारा आरोपी गायक समर सिंह ने पुलिस गाजियाबाद थी झड़पी लीधो। आ केस में आरोपी संजय सिंह हजू पण पुलिस पकड़ थी दूर है। वाराणसी क्राइम ब्रांच की टीमें गायक समर सिंह की धरपकड़ करी। मेडिकल रिपोर्ट बाद समर सिंह ने कोर्ट में रजू करायो, जहां कोर्टे आरोपी ने ट्रांजिस्ट रिमांड पर मोकलो। गाजियाबाद नंदग्राम विस्तार में गायक समर सिंह छुपायेलो हतो। 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હીથી રોહિણી જેલમાં બંધ મહાઠક સુકેશ ચંદ્રશેખર છેતરપિંડીનું રેકેટ ચલાવતો હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો। સુકેશ જેલ અધિકારીની મિલીભગતથી ખંડનું રેકેટ ચલાવતો હતો। સુકેશને રેકેટ ચલાવવામાં મદદ કરવા બદલ રોહિણી જેલના 3 અધિકારીઓ તપાસ હેઠળ છે। આ અધિકારીઓએ સુકેશને દર મહિને 1 કરોડ રૂપિયાનું ખંડનું રેકેટ ચલાવવામાં મદદ કરી હતી। આ 3 અધિકારીઓ 2020-21માં રોહિણી જેલ નંબર 10માં તૈનાત હતા, જ્યાં સુકેશને રાખવામાં આવ્યો હતો। खालिस्तान तरफ से संगठन वारिस पंजाब देनो भागेडू चीफ अमृतपाल सिंह बैसाखी अवसर पर आत्मसमर्पण कर सके। अमृतपाल अकाल तख्त साहिब और भटीना तालबू सोबो में दमदमा साहिब में बने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा वधारी है और पंजाब पुलिस अधिकारियों की तमाम रजाओ रद्द की। अमृतपाल सिंह ने 7 एप्रिले अकाल तख्त जथेदार गियानी हरप्रीत सिंह की बैठक में आत्मसमर्पण करने जणाव्युं हतुं।